नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज हम खड़े हैं राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर। यहां मंदिर में इस बार दीपावली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा का जो पर्व मनाया जाता है, इस बार आज मनाया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह रही, इसके बारे में हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत जी सनाडी। उनसे जानते हैं कि आखिर ये परंपरा इस बार दीपावली के दूसरे दिन की बजाय आज क्यों निभाई जा रही है। नमस्कार आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले दीपावली के पर्व को लेकर जो ये गोवर्धन पूजा होती है, ये इस आज के दिन क्यों मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो जयवर्धन न्यूज़ के सारे दर्शकों को जय द्वारकाधीश, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, गोवर्धन पूजा का जो ये पर्व है, ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। किंतु इस बार जो दीपावली का दूसरा दिन था, उस दिन सूर्य ग्रहण होने की वजह से इस क्रम को आज के दिन नवमी के दिन मनाया गया है। हम आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 26 तारीख को तो सूर्य ग्रहण नहीं था, तो ये पर्व 26 तारीख को क्यों नहीं मनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान का जो अन्नकूट महोत्सव होता है, उस सामग्री को सिद्ध करने के लिए 7 से 8 दिन का क्रम लगता है, और उसी अनुरूप उस सामग्री को 26 तारीख से सिद्ध करने का जो क्रम शुरू हुआ, आज जाकर वो सामग्री सिद्ध हुई है, और इसी अनुरूप आज ये गोवर्धन पूजा अन्नकूट का ये पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह की वेला में दोपहर में ये गोवर्धन पूजा के दर्शन आप सभी भक्त कर पा रहे हैं, और इसी दिन शाम को आज अन्नकूट का महोत्सव जो है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। इस बार अभी जो गोवर्धन पूजा के दौरान जो ठाकुर जी यहाँ गोवर्धन चौक में पधारते हैं, क्या ये साल में एक ही बार ये विशिष्ट दर्शन है या जी? गोवर्धन पूजा के जो दर्शन है वो तो साल में एक ही बार होते हैं, लेकिन द्वारकाधीश प्रभु जो है वो चलायमान है। हमने देखा है कि वो बाग में भी पधारते हैं, गौशाला में भी पधारते हैं, अपने निज मंदिर से बाहर भी पधारते हैं, और ऐसा कोई मनोरथी आता है जो गोचारण का मनोरथ अगर सिद्ध करवाता है, तो उसके लिए द्वारकाधीश इस परिसर में पुनः पधार सकते हैं। लेकिन जो गोवर्धन पूजा है वो वर्ष में सिर्फ एक ही बार दीपावली के दूसरे दिन ही आयोजित की जाती है। ये परंपरा पहले भी ऐसा कभी मौका आया कि दीपावली के दूसरे दिन की बजाय किसी दूसरे दिन अगले दिन ये परंपरा? जी, ऐसा मौका आज से लगभग 18-19-20 साल पहले भी आया था, जब भी ग्रहण था, और ग्रहण के कारण जो गोवर्धन पूजा और कान जगाई के जो दर्शन है उसको आगे किया गया था, और शायद उस वक्त भी यही दिन रहा होगा कि जब ठाकुर जी को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का ये क्रम जो है अक्षर नवमी या नवमी के जो पर्व है उस दिन यहाँ पर अंगीकार करवाया गया। ये जो गोवर्धन खिंचवाने की जो रस्म है, इसमें कितनी गायें रहती हैं, कितने सेवादार रहते हैं इस पूरे रस्म निभाने में? और वैसे तो दीपावली का जो पर्व है पुष्टि संप्रदाय का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है, और इसकी तो तैयारियां हैं वो बहुत लंबे समय से शुरू हो जाती हैं। मैं यूँ कहूँ कि एक महीने पहले से इसकी तैयारियां आरंभ हो जाती हैं, दशहरा के आसपास से इसकी सारा जो तैयारियों का क्रम है वो आरंभ हो जाता है, और जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता है, इन तैयारियों में चरम पर रहता है। द्वारकाधीश मंदिर के कम से कम 125 से ज़्यादा कर्मचारी जो है इस महोत्सव को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से संपादित करवाने के लिए लगे रहते हैं, और उसी क्रम में ये क्रम रहता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ जयवर्धन के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितने भी मंदिर कर्मचारी हैं उन सभी को वर्षों से महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी की आज्ञा से 5 दिन तक भोजन की जो व्यवस्था रहती है वो मंदिर की तरफ से ही रहती है, जिसको बाट कहा जाता है। उसको देने के पीछे का महत्व यह है कि कर्मचारियों पर वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो घर नहीं जा पाते, इस वजह से उनको भोजन की व्यवस्था भी जो है वो यही रहती है। अभी वर्तमान में बड़े महाराज ब्रजेश कुमार जी अस्वस्थ होने के कारण अभी सेवा में नहीं पधार रहे हैं, लेकिन उन्हीं के आज्ञा से, उन्हीं के निर्देशन में चतुर्पीठ कांकोली युवराज डॉक्टर वागीश कुमार जी गोस्वामी, उनके दोनों सुपुत्र वेदांत कुमार जी और सिद्धांत कुमार जी अभी इस पूरी सेवा को संपादित कर रहे हैं। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह राजसमंद के श्री द्वारकाधीश मंदिर का गोवर्धन चौक है, जहाँ पर गोवर्धन चौक में मुख्य द्वार पर यह गोवर्धन बनाया गया है। उसके आगे सैकड़ों की संख्या में गायें हैं, उन्हीं के सामने श्री द्वारकाधीश प्रभु यहाँ चौक में पधारे हैं, और उनके समक्ष गोवर्धन की पूजा की रस्म निभाई जा रही है। यहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा भी की जा रही है। यहाँ गोस्वामी वेदांत कुमार जी द्वारा ठाकुर जी को पान बीड़ा का भोग भी यहीं पर धराया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सभी सेवादार ठाकुर जी की सेवा में
जुटे हुए हैं, उनके समक्ष खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ गोस्वामी वागीश कुमार के निर्देशन में सभी गोस्वामी परिवार के सदस्यों द्वारा गोवर्धन पूजा की रस्म निभाई जा रही है और यहाँ आगे गायें खड़ी हैं। तो दूसरी तरफ शहरवासियों के साथ ही बड़ी तादाद में श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु यह रस्म देखने में जुटे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर वागीश कुमार यह गोवर्धन पूजा की रस्म निभा रहे हैं। दूसरी तरफ सभी लोग इस भव्य नज़ारे को एकटक देख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं गोवर्धन पूजा के दौरान ही मंदिर के सेवादारों को मंदिर के गोस्वामी वेदांत राजा द्वारा सम्मान कर उन्हें प्रसाद पान बीड़ा दिया जा रहा है। उसके बाद गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार के सानिध्य में सभी गोस्वामी परिवार के सदस्यों द्वारा गोवर्धन की परिक्रमा लगाई गई। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर के ग्वाले गाय को लेकर मंदिर के समक्ष पहुँचे और उस गाय को गोवर्धन गिचरवाने की रस्म निभाई जा रही है। देखिए जैसा आपने देखा तस्वीरों में गोवर्धन गिचरवाने की रस्म पूरी होने के बाद ही यहाँ सीढ़ियों पर विराजे श्री द्वारकाधीश प्रभु के प्रतिरूप को सभी सेवादारों द्वारा फिर उन्हें वापस पालकी में विराजित कर निज मंदिर में ले जाया गया।
श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज के निर्देशन में यह सारी रस्में निभाई गई और उसके बाद ठाट बाट से ठाकुर जी को निज मंदिर में ले जाया गया। इसके बाद गोवर्धन पूजा की रस्म में साक्षी बने श्रद्धालुओं ने भी गोवर्धन के परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। जैसे गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ गोवर्धन चौक है ये मंदिर का, और उसमें आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शहरवासी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ मंदिर के गोस्वामी वागीश कुमार के सानिध्य में यहाँ सेवादार विभिन्न व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं और यहाँ पर गोवर्धन पूजा की रस्म निभाई जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं मंदिर का ये चौक है, वहाँ पर गौशाला से ये गायें आई हैं, जो सैकड़ों की संख्या में ये गायों को यहाँ गोवर्धन चौक में लाया गया है। इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए जयवर्धन के साथ। मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौर, राजसमंद।